तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और ये क्या कहता है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये कहता है हाइड्रोजन एटम इमिट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। जब हाइड्रोजन एटम है, अब हाइड्रोजन का जो सिंगल एटम है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इमिट करता है। ये न्यूक्लियस है, ए एन इज इक्वल टू 1 है, ए एन इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, और ये एन इज इक्वल टू 3 है और एन इज इक्वल टू 4 है। इस टाइप से आप सीधा भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कब इमिट करेगा, ठीक है? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तब इमिट करेगा जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके, ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होके कहीं गया होगा और दोबारा डी एक्साइट होगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इमिट करेगा। और ड्यूरिंग द डी एक्साइटेशन एक फोटोन इमिट करेगा और इस फोटोन की जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो हमें दिया है 1.25 नैनोमीटर। ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो क्या कहता है पॉसिबल क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन। देखो, अब देखो, ये एक यूनिक वेवलेंथ जनरेट हुआ है। यहाँ पर देखो, एक फिक्स्ड वेवलेंथ जनरेट हुआ है, फिक्स्ड लैम्डा जनरेट हुआ है। तो यहाँ से एक फिक्स्ड ट्रांजिशन हुआ है और वो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ होगा वो हम लोगों को नहीं पता है, और वही निकालना है। वो या तो एन इज इक्वल टू 2 से एन 1 में होगा होगा, या तो एन इज इक्वल टू 3 से 2 में हुआ होगा, या 4 से 3 में हुआ होगा, या 5 से 6, नहीं, 5 से 3 में हुआ होगा, हायर से लोअर में कहीं हुआ होगा, तो हमें नहीं पता है। बट हमें पता है कि ये हुआ है, तभी तो लैम्डा निकला यार। तो हमें वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना है। तो इसके करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड ये है प्यारे बच्चों, कि जो अच्छा वाला मेथड है, जो थोड़ा बुद्धि लगता है और मैं आपको बताया हूँ, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही आसान होता है। तो इस तरह से एनर्जी लेवल बना लेते हैं और इसको याद कर लेते हैं। तो एन इज इक्वल टू 1, 2, 3 और ये आ जाता है 4। ये एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी होती है -13.6 होती है, और इसमें जो होती है -3.4 होती है, और इसमें -1.5 होती है, और माइनस इसमें 0.85 होती है। इस तरह से एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, ये हमें पहले से याद है। अब देखो कि जो लैम्डा यहाँ पे जनरेट हुआ प्यारे बच्चों, वो लैम्डा कितना है, ठीक है, उस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। हाउ मच लैम्डा इज दैट। तो अगर मुझे लैम्डा, नहीं, लैम्डा दिया हुआ है, तो उस लैम्डा के लिए मुझे प्यारे बच्चों निकालना पड़ेगा कि कितनी एनर्जी जनरेट हुई। तो एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू एच सी अपन लैम्डा होता है। और अगर मैं नैनोमीटर में देखता हूँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, एच सी बर्मा में नैनोमीटर में ही, या एंगस्ट्रॉम में ही दिया हुआ है, और रियल में यही यूज होता है यार। तो यह जाएगा एच सी की वैल्यू 12 नंबर 402, और लैम्डा जो यहाँ पे है वो 102.5 है। तो यहाँ से जो एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा ई, वो आ जाएगा 12.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हुआ होगा कहीं से, यहाँ से कहीं से हमको नहीं पता है, यहाँ कहीं से डी एक्साइट हुआ होगा, हायर से लोअर गया होगा, तो 12.1 की डिफरेंस आएगी। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आया है, तो क्या 2 से 1 में 12.1 का डिफरेंस आएगा क्या? 13.4 और -3.4 कभी नहीं आएगा, 10.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा 13.6 से। तो इसका मतलब ये हुआ, और हाइयर से इसमें देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, तो 13.6 में +13.6 में माइनस कर दूँ 1.5, तो 1.5 में तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये मैच कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 से 1 में जंप किया है, तभी जाके ये एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हुआ है। तो पॉसिबल क्वांटम नंबर जो आ जाएगा, जो आ जाएगा वो एन इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 में जंपिंग हुआ है। तो ये एक आसान तरीका है, ठीक है। अगर ये आपको राज नहीं आया, आपको डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपको पसंद नहीं आया,
तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ इस क्वांटम नंबर को निकालने का। और सेकेंड मेथड है, जनरली ये मेथड एग्ज़ाम में यूज नहीं करना, क्योंकि ये मेथड लेंदी होता है, इसमें रिक्वायर कांस्टेंट यूज होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। तो चलो मान लो कहीं इधर हायर से जंपिंग हुआ होगा, ठीक है, हमें नहीं पता है कहाँ जंपिंग हुआ, लेकिन ये मान लेते हैं कि कहीं पे जंपिंग हुआ होगा। तो जो अल्ट्रा वायलेट, अगर कभी भी याद रखो, अगर हायर से जंपिंग होता है तो लाइमन सीरीज जो, ठीक है, यहाँ पर देखो एक बात, एक की पॉइंट है यहाँ पकड़ो। क्वेश्चन में लिखा है इमिट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कब इमिट होता है? तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन लाइमन सीरीज में इमिट होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो लाइमन सीरीज, लाइमन लाइमन सीरीज में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इमिट होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है भाई। तो लाइमन सीरीज के L1 इक्वल टू 1 में ये तो क्लियर है कि फर्स्ट में जंपिंग हुआ है, और ये हम पहले वाला जो मेथड यूज किए थे उससे भी हम ये आइडिया निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पर जंपिंग हुई है, तो या तो 2 से जंपिंग हुआ होगा, या तो 3 से जंपिंग हुआ गया, या तो 4 से जंपिंग हुआ गया, हमको नहीं पता है। मान लो N2 की वैल्यू अननोन है, लेकिन N2 की जो वैल्यू अननोन है तो N1 तो पता चल गया ना मेरे भाई। तो रिक्वायर कांस्टेंट वाला फार्मूला लगा दूं कि आर जेड की वैल्यू 1 है, तो 1/N1² - 1/N2 का स्क्वायर। तो अब हमें लैम्डा दिया हुआ है एक 102.5, और रिक्वायर कांस्टेंट की वैल्यू रख दो, ठीक है, 1.1 × 10^7, और 1/1² - 1/N2 का स्क्वायर। तब ये जो रामायण कहानी है ये वाली, इसको जब पूरा सॉल्व कर लोगे तो N2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2.93 आता है। सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व कर लिया हूँ, दैट इज राउंड अप करने पे 3 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉसिबल क्वांटम नंबर है प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पॉसिबल N=1 है, N2=3 है। बहुत ज़्यादा मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क का ज़िंदगी में कोई सब्सिट्यूट नहीं है यार। अगर आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो हार्ड वर्क आपके ब्लड में होता, खून में होगा, आदत बन जाती है, ठीक है ना। अभी देखो ना टाइम, देखो कितना हुआ है यहाँ पर, ढंग का देखो टाइम, 1:30 बज रहा है, ठीक है, 1:30 बज रहा है, और मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो अभी अभी यहाँ पे देखो, अभी अभी जो, तो अल्टीमेटली मेहनत करो, हार्ड वर्क करो,